चंपावत की जनता 31 मई को न सिर्फ अपना विधायक चुनेगी बल्कि उन्हें मुख्यमंत्री चुनने का भी मौका मिलेगा। इससे पहले 28 मई को उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ इस सीट पर बीजेपी कैंडिडेट और राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के लिए प्रचार करने पहुंचे। आपको बता दें कि उत्तराखंड चुनाव के दौरान पुष्कर सिंह धामी खटीमा सीट से चुनाव हार गए थे। इसके बाद वह दोबारा चंपावत सीट से उपचुनाव लड़ रहे हैं। 28 मई को सीएम के लिए प्रचार कर रहे सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आप विधायक को नहीं बल्कि मुख्यमंत्री को चुन रहे हैं। आपको सुनहरा अवसर मिला है, इस अवसर का लाभ अवश्य उठाएं। इस मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अगर विधानसभा चुनाव के दौरान उनको खटीमा में प्रचार करने का मौका मिलता तो वो नतीजे कुछ होते। सीएम योगी ने अपने संबोधन में विधायकी छोड़ने वाले कैलाश गहतोड़ी के फैसले की तारीफ की और कहा कि उन्होंने दूरदर्शी फैसला लिया है। सीएम योगी ने कहा कि उत्तराखंड का विकास केवल बीजेपी कर सकती है, भाजपा ने जो कहा है किया है, जो कहेंगे वह करेंगे। उन्होंने कहा कि सीएम धामी ने अपने अब तक के कार्यकाल में कुमाऊं सहित पूरे उत्तराखंड के समग्र विकास की नींव रखी है। अब चंपावत के लोगों का एक एक वोट इस नींव पर इमारत बनाने के काम आएगा।